पूर्व पत्रकार निधि राजदान शुक्रवार को सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक हर जगह सुर्खियों में रही। निधि के सुर्खियां बटोरने की वजह थी उनका एक ट्वीट। शुक्रवार को ट्वीट कर निधि ने इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ एक ऑनलाइन धोखा हुआ है, जिसके तहत उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन वो सब कुछ एक धोखा था। उन्होंने उसी नौकरी के लिए अपने एक स्थापित चैनल NDTV से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं एक बहुत ही गंभीर फिशिंग हमले की शिकार हुई हूं। फिशिंग एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है, जिसके जरिए लोगों को अपनी निजी जानकारियां जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड शेयर करने को कहा जाता है। इस जालसाजी में शामिल लोग खुद को बिल्कुल सही और एक प्रतिष्ठित कंपनी का आदमी बताते हैं और सामने वाले को अपनी बातों का यकीन दिलाकर उनसे उनकी निजी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इस तरह के ऑनलाइन हमलावर आपको टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, आपसे मेल के जरिए संपर्क करते हैं या फिर सीधे आपको फोन भी कर सकते हैं। फिशिंग के शिकार लोगों को लगता है कि मैसेज, मेल या फोन कॉल उनके ही बैंक या सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से आता है। अक्सर इसके शिकार लोगों को कहा जाता है कि उन्हें अपने बैंक खाते के एक्टिवेशन या सिक्योरिटी चेक के लिए कुछ जानकारी देनी होगी। उन्हें कहा जाता है कि अगर आपने वो जानकारियां नहीं दी तो आपका खाता बंद किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में इस धोखाधड़ी से अनजान लोग अपने निजी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। इस तरह के ऑनलाइन जालसाजी में लोगों को एक फेक वेबसाइट तक ले जाया जाता है जो कि बिल्कुल रियल लगती है। उन्हें इस वेबसाइट में जाकर अपनी निजी जानकारियां डालने को कहा जाता है। जैसे ही निजी जानकारी लोग डालते हैं, साइबर अपराधी उसका इस्तेमाल करके आपको आसानी से लूट लेते हैं। उन फेक वेबसाइट्स के मालवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जो आपकी निजी जानकारियों को चुरा भी लेते हैं। लोगों को धोखा देकर उनसे पासवर्ड या इस तरह की निजी जानकारियां हासिल करना अभी भी दुनिया भर में साइबर क्राइम का सबसे आसान तरीका है।